हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टाफ नर्स की नई वैकेंसी के बारे में तो ये कहाँ की वैकेंसी रहेगी क्या इसका प्रोसीजर रहेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी रहने वाली है तो यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट क्या है आपका सेंट्र ऑपरेटर पोस्ट का नाम है सेवनटीन आपकी वैकेंसी रहेंगी बी नर्सिंग और जी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट कितनी है अठारह ईयर्स आपकी जो है मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम आपकी ट्वेंटी नाइन ईयर्स एज लिमिट है और एज एजेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी इंटरव्यू होगा एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कोई नहीं है तो सैलरी इसकी क्या रहेगी नाइन्टी फाइव हंड्रेड इसकी मिनिमम सैलरी है मैक्सिमम सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड इसकी जो है मैक्सिमम सैलरी है कैसे अप्लाई करना है आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है उसके बाद होम पेज को ओपन करना है देन नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टीज़मेंट नोटिस देखनी है और एलिजिबल अगर आप होंगे तो आपने जो है अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट और स्कैंड डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ आपने लगाना है उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और ये आपका प्रोसेस रहेगा तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें स्टार्टिंग डेट कितनी है थर्टी मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी है दो अप्रैल तो इसका जो है नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लाइब्रेरी रोड लखनऊ यूपी की वैकेंसी है और सेंटर ऑपरेटर की है इसमें जी एन नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास टर्म ऑफ़ रेफ़रेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी की बात करें मंथली सैलरी आपकी फ़िफ्टीन थाउजेंड रहेगी सैलरी रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन ऑफ हेल्थ ए टी एम सेंटर ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम एनी अदर इक्विपमेंट प्रोविजन फॉर द सेंटर टेक्निकल यूजिंग विद हब कनेक्टिंग विद इट्स दिस नोड ऑपरेशन ऑफ डे टू डे सर्विस अवेलेबल एट द ऑपरेशन ऑफ टेल फॉलो अप सेशन मैंटेनेंस ऑफ डेली सेशन लॉक बुक स्टॉक इन्वेंट्री कंज्यूमेबल्स यूज चार्ज एक्सेट्रा अदर ड्यूटीज़ एज असाइन बाई द एडमिनिस्ट्रेटर जी एम टी एच नोडल ऑफिसर एज ले डाउन इन एस ओ पी तो ये आप देख सकते हो वैकेंसीस हैं आपकी और यहाँ पर आपका प्रोसीजर दिया गया हुआ है क्या करना है आपने ऑल द पोस्ट टेम्परेरी टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं तो दोस्ट आर एलिजिबल टेम्परेरी फॉर वन ईयर वन ईयर के लिए हैं होंगी ये अकोमोडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कैंपस विल नॉट बी प्रोवाइड अकोमोडेशन आपको नहीं प्रोवाइड होगा एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पेपर विद नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन आपने प्लेन पेपर पर लिखना है अप्लाई कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं नेसेसरी सर्टिफिकेट होंगे वो सबमिट करने हैं आपने कहाँ पर करने हैं ऑफिस ऑफ नोडल ऑफिसर स्कूल ऑफ टेलोमेडिसिन एंड बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स एस जी पी जी एम एस में रायब्रेली रोड लखनऊ इस पर आपने करने हैं लेटेस्ट और दो चार दो हज़ार बाईस एलिजिबल कैंडिडेट विल अपियर फॉर इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए आपने पाँच चार दो हज़ार बाईस को अपियर होना है ऐट द तीन बजे से पहले आपने जाना है इन द स्कूल ऑफ टेली मेडिसिन एंड बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स एस जी पी जी आई एम एस लखनऊ विद ऑरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जाना है नो सेपरेट इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी इश्यूड टू द कैंडिडेट आपके लिए कोई भी सेपरेट इंटरव्यू या कॉल लेटर नहीं जाएगा टी ए डी आपको नहीं दिया जाएगा डायरेक्टर एस जी पी जी आई एम एस लखनऊ रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडवर्टीजमेंट सिलेक्शन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न तो उनके पास राइट होगा कि इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर दें या सिलेक्शन विद असाइनिंग एनी रीजन तो आपने क्या करना है आपने जो भी प्लेन पेपर पे जो है अपने नर्सेसिंग सर्टिफिकेट्स साथ में देने हैं और आपने वहीं पे सबमिट करवा देने हैं आप देख सकते हो कौन से डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं उसके बाद कहाँ पे करवाने हैं आपने यहाँ पे देखते सबमिटेड टू ऑफिस ऑफ द नोडल ऑफिसर स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेली मेडिसिन एंड बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स एस जी पी जी आई एम एस राय रोड लखनऊ यहाँ पे पिन कोड देख सकते हो यूपी तो आपने दो तारीख़ से पहले आपने सबमिट करवाने हैं और पाँच तारीख को आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाना है यही आपका प्रोसीजर रहेगा बहुत अच्छी वैकेंसी है लेकिन एक साल के लिए ही आपकी वैकेंसी रहेगी तो अगर आपने फिल करनी है तो आप फिल कर सकते हो अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग